Hello everyone, welcome back to my channel. And today's video I'm going to share with you how to treat tiny bumps, acne and comedones. So yahan pe main severe acne either fungal acne ki baat nahi kar rahi hun. And if you have these kind of issues, please visit a dermatologist. So yahan pe main hormonal acne, either sometimes hame breakouts or acne ho jate hain. There are n number of reasons jiske kaaran breakouts or acne ho jate hain. New products ya fir climate change hone ki wajah se bhi breakouts ho jate hain. And aapke lifestyle ki wajah se bhi acne ho jate hain. एंड रिसेंटली मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था, यू कैन सी, जिसके कारण मैंने मेडिसिन यूज़ की थी एंड मेडिकेशन की वजह से मेरी एक्ने ट्रिगर हो गए. एंड एक्चुअली आई हैव ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन एंड मुझे हार्मोनल इशूज़ हैं. सो मेडिकेशन की वजह से मेरे एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं. सो बेसिकली अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपकी एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ एक्ने प्रॉन स्किन. प्लीज़ एक्सेप्ट दिस थिंग. एंड एक्ने फ्री स्किन इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू एक्ने प्रॉन स्किन. आपकी एक्ने न्यू प्रोडक्ट्स से आइदर किसी न किसी रीजन से एक्ने हो सकते हैं. सो आज बेसिकली मैं आपके साथ जो स्किन के प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, दीज आर रियली रियली इफेक्टिव. दीज आर माई होली ग्रेल प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगते हैं फॉर माई एक्ने एंड टाइनी बम्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, द फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है एंड आपकी एक्ने ट्रिगर होते रहते हैं, देन यूज ऑलवेज सेपरेट क्लोथ फॉर योर फेस. मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस इज रियली रियली इफेक्टिव, क्योंकि आपके जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड नहीं होता है. बिकॉज जो एक्ने होते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के. सो यूज सेपरेट क्लोथ फॉर योर फेस. ओके, जब भी मेरे एक्ने ट्रिगर होते हैं तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि जो मेरे एक्ने हैं, जो पस्टुल्स एक्ने हैं, वो रिड्यूस होने चाहिए. सो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ सैलिसिलिक कंटेन फेस वॉश, आइदर सिरम, आइदर एनीथिंग एल्स. जो भी आपके पास सैलिसिलिक कंटेन फेस वॉश हो, आइदर लिक्विड हो. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉसरएक्स का BHA लिक्विड. एंड मैं इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. एंड सैलिसिलिक एसिड मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जितने भी आपके पोर्स होते हैं वो अच्छे से क्लीन होते हैं. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. अगर आपको एक्ने है, देन आपको अपने स्किन केयर रूटीन में सैलिसिलिक एसिड जरूर यूज़ करना चाहिए. सो हाउ आई यूज दिस कॉसरएक्स BHA, मैं इसको लाइक दिस ऐसे लेती हूँ, वन ड्रॉप. एंड जहाँ जहाँ मुझे एक्ने होते हैं मैं यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ. नॉट नेसेसरी आपको लिक्विड ही यूज करना है, आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं. सो दिस माई फर्स्ट स्टेप. अगर मुझे एक्ने होते हैं, आइदर दिस आइदर फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक एसिड कंटेन. सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऑप्शंस भी दे दूंगी सैलिसिलिक कंटेन फेस वॉशेस, आइदर लिक्विड और सीरम्स. सो सैलिसिलिक एसिड के बाद आता है एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट. एंड ये दोनों ही मैंने ट्राई की है एंड बोथ आर इफेक्टिव, बट इसको 3 to 4 days लगते हैं एक्ने रिड्यूस होने में. एंड दिस वन इज अडेप्टिलिन, इसके पहले मैंने ये रेकमेंड किया है, बट इसको टाइम लगता है जस्ट 3 to 4 days. बट दिस एक्ने पैचेस इज रियली रियली इफेक्टिव. विद इन अ 2 days में मेरे एक्ने रिड्यूस हो गए थे. सो मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ. इसके अलावा भी मैं कोई और प्रोडक्ट्स भी ट्राई करूँगी जिससे एक्ने 1 or 2 days में रिड्यूस हुए. बट टिल नाउ आई गेस कि एक्ने पैचेस बहुत इफेक्टिव रहते हैं. विद इन अ डे आइदर विद इन अ 2 days आपकी एक्ने रिड्यूस हो जाए. एक्ने पैचेस यूज करने के बाद मैं लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, आइदर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. क्योंकि अगर आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर आइदर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो तो आपके एक्ने और ट्रिगर हो सकते हैं. सो दीज आर द प्रोसेस. जब मुझे एक्ने होते हैं तो मेरे एक्ने कैसे रिड्यूस होते हैं, स्पेशली पस्टुल्स एक्ने. तो मैं अब टाइनी बम्स के लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. उसके बाद मैं टाइनी बम्स के लिए करती हूँ क्योंकि एक्ने इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिड्यूस हो. उसके बाद मैं टाइनी बम्स के लिए आइदर जो भी मुझे थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं उस पर मैं वर्क करती हूँ. तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करती हूँ एजेलिक एसिड. So basically these are my favorite azelaic acid which works amazing on my comedones either tiny bumps. So ये दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं. ये minimalist का azeclair 17% है एंड दिस वन इज aziderm 10% either 20%. मैं 20% रेकमेंड नहीं करती हूँ, 10% इज इनफ. आप aziderm 10% यूज़ कर सकते हो फॉर योर टाइनी बम्स. सो दीज आर रियली रियली अमेजिंग फॉर माई टाइनी बम्स और comedones. सो बेसिकली एजेलिक एसिड मैं कंटिन्यू करती हूँ 2 or 3 days तक, जब तक मेरे जो टाइनी बम्स हैं आइदर कॉमेडॉन्स हैं वो रिड्यूस नहीं होते हैं. तो बट मैं अपने PM स्किन के रूटीन में ही एजेलिक एसिड या एजीडर्म यूज़ करती हूँ. एंड मैं अपने मॉर्निंग स्किन के रूटीन में आइदर विटामिन सी आइदर नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ. एंड रिसेंटली मैं ट्राई कर रही हूँ दिस
niacinamide deconstruct का 5% niacinamide and 2% alpha arbutin. So morning में either मैं vitamin C use करती हूँ either niacinamide. जब मेरी skin breakouts either acne होते हैं तो it's not necessary कि मैं vitamin C use करूँ either niacinamide. And recently में but मैं यही use कर रही हूँ morning में. And मैं evening में use करती हूँ azelaic acid. And yes, these are really, really effective skincare products for my acne and tiny bumps. And do let me know which one is your favorite skincare products for acne or tiny bumps. Please share your experience. And if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Until see you next. Bye-bye. And thank you for watching.